तो ये रॉलिंग पल्टन, कैसे आप सभी लोगों और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है, बिकॉज मैं और मेरा दोस्त साउदीन जैसे कि हम जाते रहते तो आज फिर कहीं घूमने जा रहे, बट आज हमें ज्वाइन किया इसने, तो ये बेचारा काम से हमेशा काम पे रहता है तो आज इसकी छुट्टी करवा दी मैंने कि मैंने बोला चलते हैं यहाँ। तो यहाँ खड़ी हमारी डेविल बेबी कितनी प्यारी लग रही है। सुबह सुबह उठ के मैंने रात को पॉलिश मार दी थी, लेकिन सुबह उठ के कपड़ा मारा तो अभी काफ़ी अच्छे से चमक रही है। तो बस अभी हम यहाँ से फ्यूल अप करवा के रुक गए थे थोड़ा सा, मैंने जैसे उनको कॉल किया वो कह रहे 10-15 मिनट और लग जाएंगे, तो पहले अपने चलते हैं हम डेस्टिनेशन पे, तो वहीं जाके मिलेंगे उससे। तो आगे की राइड कंटिन्यू करते और कहाँ जा रहे वो जानने के लिए आप बस हमारे साथ वीडियो पर जुड़े रहिए। तो पल्टन अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 हो गए ऑलमोस्ट, सुबह सुबह निकलने का प्लान इसीलिए है कि यार लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखी थी हम गर्मी में चल गए थे, दोपहर में चल गए थे, और मैंने तो जो थंबनेल में था आपने ट्रेन का 30+ था, 35+ था, बट वो एक्चुअली 40 से भी ज़्यादा था यार। और इतनी गर्मी में हम पागलों को जैसे चला के गए थे और चला के आए, तो हुआ कोई दिक्कत नहीं वैसे, लेकिन हम चाह रहे थे कि क्यों अपनी बॉडी को हार्म करने, इसलिए सुबह सुबह जाके आते हैं। और कहाँ जा रहे हो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, तो बस इन्जॉय करिएगा। तो पल्टन बस अभी एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को दिखी और मैं सोचा मैं ही अकेला क्यों देखूँ, सबको दिखाता हूँ। तो अभी सनराइज़ देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं सोचा इंस्टाग्राम में एक स्टोरी ही डाल देते हैं, क्या प्यारी लग रही है यार डेविल बेबी। तो बस इंस्टाग्राम पे स्टोरी अब अपलोड हो गई है गाइस, अब आप भी जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चल भाई, हेलो हेलो, छलांग मारना है क्या तेरे को, क्या भाई सुसाइड मत अटेम्प्ट कर लियो ब्रो। ये कूपर कुत्ता ऊपर कूपर कह रहा हूँ यार, कुत्ता ऊपर चढ़ा हुआ था मुझे लगा बंदर है यार, यार। अभी पहुंच गया अपने चेक पॉइंट पे, तो ऑब्वियस ही बात है मैं हमेशा ही जल्दी आता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई फर्स्ट आता है। ओह माय गॉड, वाओ, हमेशा। तो बस अभी हम पहुंच गए, अभी रुकते हैं और उसको लगाते हैं कॉल और पूछते हैं वो है कहाँ पर। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है और बंद पड़ी है बट अच्छी है, तो उसको लगाया जाएगा फोन। उतरो भाई, भाई मेरी आंखें तरफ गई थी इस बंदे को देखने। हाँ हाँ, आते ये कर लो पहले। अबे यार रास्ते सही करो, दूसरे वाले बंदे ने यार तो कभी टाइम पे नहीं आना होता यार, टाइम पे आ जाया कर यार। सुबह सुबह रविदास चौक, सुबह सुबह चेक कर लो, जाके चेक ही करना, सुबह सुबह फाड़ लिया, सवेरे सवेरे फाड़ लिया यार, कहते बोनी में तो करनी है, मैं बोनी कर दे रही हूँ, बोनी कितने हो जाए नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे, तो मतलब कोई चक्कर नहीं बनता चलाने वाला का। अरे खा यार, नंबर प्लेट लगाई, भूख लगन शुरू हो गई है, मैंने भी इतनी इतनी देर का बैठा था मैं, अब खा लेने को सामने फिर निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं हम, जल्दी आ जाए करो कभी टाइम पे, बस अब निकलते हैं यार यहाँ से। तो भाई फाइनल इतने देर वेट करने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कपूरथला के एक बहुत ही अच्छे गुरुद्वारे पे, और वो गुरुद्वारा है सुल्तानपुर लोधी। हालांकि जब लाइसेंस आ गया तो थोड़ा दूर भी जाएंगे, तो इसलिए हम पास पास में जाते रहते हैं। तो ये कह रहा था इसको सुबह सुबह पुलिस वालों ने रोक लिया, एक्चुअली वो पुलिस वाले नहीं थे, वो PCR वाले थे, जो पुलिस वाले होते वो अलग होते, जो PCR है वो पेट्रोलिंग के लिए निकलते, वो इसको सुबह सुबह कहने लगे कि आप अपने पेपर दिखाओ। तो भाई इसने भी बोल दिया कि यार आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप ऐसे चलते चलते मुझे रोके नहीं बोल सकते, ऐसे वैसे करके थोड़ा झगड़ा करके आया मेरे में, कम में आवा मेरे में, पेट्रोल पम्प में चेक कर लेते आगे। तो ये रास्ता जो है अंदर गांव से होकर जाता है, और कसम से बता रहा हूँ यार शहरों से ज़्यादा क्लीन और इतनी प्यारी रोड है ना यार, क्या बताओ यार, यहाँ पे आप 200-200 भी कर लो ना तब भी आपका कहीं कुछ नहीं जाने वाला, इतनी साफ और क्लीन रोड यार शहरों में तो मिलती नहीं है, वहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे होते हैं। तो अभी तो सही बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, और जो यहाँ अंदर की वाइब्स वो अलग लेवल की है यार। यार मेरी बाइक में जो है वो हवा कम थी, तो मैं सोचा बदल, दो पेट्रोल पम्प में रुका, वहाँ उनके पास थी नहीं, तो अभी यहाँ है। लेकिन सही बताऊँ ना गाइस, मज़ा आ रहा है यार राइड में। इंडिकेटर आप सोच रहे होगे अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रखा था, उन लोगों ने ऑर्डर जिस दिन डिलीवर किया था मैं उस दिन था नहीं, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो वापस चला गया, अब मुझे दोबारा से ऑर्डर करके फिर मंगाना पड़ेगा।
तो वैसे सही बताओ ना, मज़ा आ रहा है यार शहरों में से ज़्यादा अंदर मज़ा आ रहा है, ना ट्रैफिक है ना ख़राब रोड है, ऊपर से हवा भी इतनी अच्छी चल रही है, लिटरली मज़ा आ रहा है यार, आउटस्टैंडिंग। अभी जो भाई आगे चल रहे हैं वो सरदार, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो यहीं के लोकल है, वो कह रहे हैं मैं आपको गुरुद्वारे तक पहुंचा देता हूं, तो बस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सो हियर वी आर गाइस, फाइनली हम पहुंच गए गुरुद्वारा साहिब इतनी देर के बाद। वो भाई ने काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने बताया था हमें रोड, वो दूसरी साइड मुड़ गए, तो बस अभी हम पहुँच गए, अंदर चलते हैं, मत्था वत्था टेकते हैं और लंगर छकेंगे। सबसे पहले तो भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो जरूरी है वो। तेरे पैर तो मुक्ष बोन दी ना, अंदर देखियो साफ सुथरे पैर है, बस इतना आलू इन्हें बूट ला लिया, अंदर जाके देखियो सारे ने बेहोश हो जाना, जी बेहोश हो गए, मैं तो नाम दस देना यार, कुछ किशन सिंह क्या होता है, जैसे कि प्रसाद मिलता है, कड़ा मिलता है, उसमें ऑयल होता है, तो वो खाने का आता है ऐसे दाढ़ी में लगाते हैं। तो ये बंदा ना लास्ट टाइम मैंने कह के ना, मैंने भी ऐसे लगा लिया, मैंने देखा था, तो ये कह रहा था तेरा तो आई नहीं, तू क्यों लगा रहा है, तो भाई उसी बात को ले लेके हंसी जाता है उसी चीज़ का। यहाँ पे मछलियाँ भी देखने को मिल रही हैं, पूरी मछली छोटे छोटे, वो बड़े बड़े वाले मछली। अभी हम गुरुद्वारा के रूफ टॉप पे आ गए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से पूरा गुरुद्वारा दिखता है। और जो यहाँ पे रोटियाँ रखी हुई है, ये जो बच जाती है, ये फिर इसको सुखा के ये फिर जानवरों को दे दिया जाता है खाने के लिए। तो अभी यार देखो कपड़ों की तो बुरा हाल हो गया यार, अभी क्या कहते हैं ना, ये जो पीछे बोरे रखे हुए हैं तो इनमें यही डाल रहे थे, चारा डाल रहे थे, तो सारा गंदा हो गया, आटा आटा लग गया यार, देखो सारा गंदा हो गया ये। तो बस अभी इधर से निकलते हैं और सीधा घर को पहुंचते हैं। तो पलटन अभी हम आ गए हैं बाहर और निकल रहे हैं घर के लिए, टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 11 के बज गए यार, निकल तो पहले जाना था, उन्होंने वो कह रहे हेल्प करवा दो, फिर हम हेल्प करवाने लग गए, इसलिए टाइम लग गया। ये क्या चोरों के जैसे देख रहा है। हाँ जी भाई जी, तो बस अभी निकल रहे हैं घर के लिए, गर्मी होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सी। R15 देखा था यार, जब आते हुए एक बंदे ने SC प्रोजेक्ट का लगाया हो तो एकदम दहाड़ रही थी यार वो, तो यार मतलब इंजन का सारा पावर जो है एग्जॉस्ट से निकल रहा था, बुट करके निकल रहा था, मज़ा आ जाता है ऐसे यार। अगर आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करोगे, थोड़ा प्यार जताओगे, तो हम भी लगवा ले, लेकिन अभी पैसे नहीं हैं तो नहीं लगवा सकते, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।